हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट आर्या। आज हम प्लान देखेंगे 15 फीट बाय 45 फीट का, यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे 15 फीट इसकी लेंथ और 45 इसकी ब्रेथ। ओके, सो ये गाइस हमारा ग्राउंड फ्लोर है। नेक्स्ट 3D वीडियो में इसका मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखा दूंगा, फ्रंट एलिवेशन दिखा दूंगा और फर्नीचर अरेंजमेंट दिखा दूंगा। ओके, और सो गाइस ये फ्रंट हाउस है, यानी आपका सामने ओपन है, रोड है और पीछे हमने थोड़ा सा स्पेस ओपन किया है वेंटिलेशन के लिए। तो यानी आपको सामने से वेंटिलेशन मिलेगा और यहाँ पीछे से वेंटिलेशन मिलेगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पार्किंग एरिया हमने प्रोवाइड किया है, छोटी सी पार्किंग प्रोवाइड करी है जिसकी साइज है 6 feet 3 inch by 9 feet 3 inch, यानी इसकी जो लेंथ है 6 feet 3 inch की है और जो ब्रेथ है वो 9 feet 3 inch की है। ओके, सो यहाँ पे हमारी स्टेयर्स आएगी जो हमको अपसाइड जाएगा क्योंकि पार्किंग हमारा नीचे होता है और उसके बाद हमारा जो घर होता है थोड़ा ऊंचे पे होता है, यानी प्लेन हाइट के ऊपर होता है। 3 feet के डोर से हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारा यहाँ हॉल आता है। हॉल का जो साइज है 13 feet 6 inch by 14 feet है, यानी जो हमारे लेंथ है 13 feet 6 inch का है और जो ब्रेथ है वो 14 feet का है। काफी अच्छा साइज है हमारा हॉल के लिए क्योंकि हमने इसको हॉल बड़ा रखा है क्योंकि किचन हमारा इसके साथ अटैच्ड है। और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे 2 feet का विंडो प्रोवाइडेड किया है। वेंटिलेशन के लिए हमारा ये डोर भी है और ये विंडो भी। ओके, हॉल से हम इस तरफ आए तो हमारा किचन आता है। किचन का जो साइज है वो 6 feet 9 inch by 8 feet 6 inch का है, यानी इसका लेंथ 6 feet 9 inch है और जो ब्रेथ है इसकी 8 feet 6 inch का है। और जो इसका वेंटिलेशन है, यानी इसको हवा के लिए, ये सब के लिए, गैस जाने के लिए, जो हम खाना पकाते हैं गैस जाने के लिए, ये 4 feet का विंडो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। काफ़ी अच्छा विंडो है। ओके, उसके बाद हम हॉल से आगे जाए तो हमारा ये 4 feet का पैसेज आता है। हमने यहाँ पे 3 feet लिखा है, 3 feet भी रख सकते हैं आप, 4 feet भी रख सकते हैं, पर इसमें मैंने 4 feet लिया है। 4 feet के पैसेज के हम आगे जाए तो हमने हॉल के इस वॉल के पीछे स्टेयर रखे जो कि हमको अप साइड जाना है। तो यहाँ से हम अब ऊपर जाएंगे, इस साइड से ऊपर जाएंगे और यहाँ से और वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करेंगे। इसके नीचे जो हमको स्पेस मिल रही है हम उसको स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, पैसेज से हम आगे जाए तो हमने सबसे लास्ट में प्रोवाइड किया है ये टॉयलेट प्लस बाथरूम, जिसका जो साइज है 4 feet की इसकी लेंथ है और जो ब्रेथ है 7 feet की है। ओके, उसका जो डोर है वो 2 feet 6 inch का है। इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने 1 feet 6 inch यानी 1.5 foot का विंडो प्रोवाइड किया है। ओके, फिर ऐसे से हम इस तरफ जाए तो हमने यहाँ पे ये 3 feet के डोर से हम एंटर करते हैं अंदर बेडरूम। बेडरूम का जो साइज है इसका लेंथ है 9 feet 2 inch by 13 feet 7 inch। ओके, यानी लेंथ, यानी हमारा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक वो 9 feet 2 inch का है और जो यहाँ से यहाँ तक वो 13 feet 7 inch का है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने ये 5 feet का विंडो, काफ़ी बड़ा विंडो प्रोवाइडेड किया है। ओके, आपको गाइस इसमें लग रहा होगा इसकी ब्रेथ बड़ी है, तो नेक्स्ट 3D वीडियो में आप इसका देख लेना फर्नीचर अरेंजमेंट, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे वॉल प्रोवाइड किया क्योंकि हम यहाँ पे अच्छे से कबर्ड लगा सकते हैं और यहाँ पे हम बेड लगा लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो गाइस आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी आप देख लेना इसको। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल और गाइस कमेंट करिए कि आगे आपको और कौन से साइज का प्लान चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बना दूंगा। सो थैंक यू गाइस।